Hello, my lovely souls out there. This is ARK representing ARK 9 dear CS professional students. RCD class 5th, chapter 5th. जी हाँ, chapter 5th की class continue है. याद रखना, important section होने वाला है, क्योंकि SEBI के 11 section 11C, SEBI Act का section 11C अपने आप में जबरदस्त section है. जबरदस्त मतलब बहुत जबरदस्त section है. अगर इसके चंगुल में फंस गया एक बार, अगर कोई भी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट या कोई इंटरमीडिएटरी, तो समझ लो ना काम खराब हो गया. रियली रियली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रियल एग्जांपल्स हैं. बहुत ध्यान सुनना, क्लास इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में मतलब यार मिस मत कर देना, क्योंकि 11C अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ध्यान सुनना, 11C क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन बाय सेबी. देखो ध्यान सुन रहे हो, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बाय सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992. इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पे देखो एक बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जब तुम पढ़ोगे ना तुमको इतना ऐसा आएगा, क्यों आएगा, उसका रीजन है, प्रोसीजर ही प्रोसीजर है. बट नॉट टू वरी अबाउट इट, यहाँ ना इस सेशन के अंदर मैं आपको बोल के याद करवा दूंगा, तो प्रोसीजर हमको याद हो जाएगा, इतना रीड करने जरूरत नहीं पड़ेगा, और रीड जहाँ करना है ना वैसे ही समझ में आ जाएगा. तो क्या है, सबसे पहले ध्यान सुनते जाओ. देखो, जब इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया जा रहा है, सेक्शन 11C उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब सर, 11C, सेक्शन 11C ऑफ सेबी एक्ट, इतनी बार बोलो याद हो जाए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, इसलिए याद भी करना है, क्योंकि इस चैप्टर का काम ही क्या है, ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं क्या है, रेगुलेटरी एक्शंस. और रेगुलेटरी एक्शन का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जैसी चीजें चलेंगी, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंपनीज एक्ट की हम कवर कर चुके हैं. अब ध्यान सुनना, 11C क्या कहता है, 11C कहता है कि अगर सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं और उसको लगता है कि कोई भी पर्सन, मतलब दो यहाँ पे पर्सन की बात होने वाली, ध्यान सुनना, इंटरमीडिएटरी आप लोग जानते होंगे, जैसे स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, ट्रांसफर एजेंट हो सकता है, अंडरराइटर हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट एजेंसीज हो सकती हैं. सो जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो, या हम बात करेंगे कोई भी पर्सन जो कनेक्टेड है विद द सिक्योरिटीज मार्केट. दो बातें, किसके लिए, इंटरमीडिएटरी या पर्सन कनेक्टेड विद सिक्योरिटीज मार्केट. वन मोर टाइम, कोई भी इंटरमीडिएटरी या पर्सन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट. अब या तो वो सेबी एक्ट्स के रेगुलेशंस के या सेबी के डायरेक्शंस को, क्या सेबी एक्ट को या सेबी के रेगुलेशंस को या डायरेक्शंस को, सेबी ने कोई डायरेक्शंस दिया कि भैया ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करो, उनकी वायलेशन कर रहा है, तब सेक्शन 11C अट्रैक्ट होगा. या दूसरी बात क्या हो सकती है कि भाई ये जो है ना सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये डेट्रीमेंटल है. किसके लिए डेट्रीमेंटल है, इन्वेस्टर्स के लिए या फिर सिक्योरिटी मार्केट के लिए. आप लोगों ने सेबी एक्ट का जब पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं तो आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा सेबी का, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलप एंड प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट. अब क्या प्रमोट और डेवलपमेंट का काम जब करने जाएगी सेबी, तो देखेगी कहीं ऐसा तो नहीं है सिक्योरिटीज में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी भी तरीके का यू नो व्हाट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं की जा रही हैं. सो ऐसे केसेस में सेबी, दो केसेस हैं, वापस सुनना, पहला केस क्या है, जब सेबी को लगता है कि कोई भी इंटरमीडिएटरी या पर्सन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, बोलो ना, एनी इंटरमीडिएटरी और एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट क्या कर रहा है, सेबी के डायरेक्शंस को, सेबी एक्ट को, बोलो सेबी के डायरेक्शंस को, सेबी के एक्ट को, रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है, ठीक है. या दूसरा केस क्या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस हैं विच आर डेट्रीमेंटल, मतलब भैया किसी इन्वेस्टर्स बेचारा पैसा लगाता है और कोई पीछे से सीक्रेट ट्रेडिंग कर देता है, तो ऐसे केसेस में क्या कह रहे हैं कि अगर देयर एनी ट्रांजैक्शंस, इफ देयर एनी ट्रांजैक्शंस विच आर डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट. ऐसे दो केसेस के अंदर ना सेक्शन 11C ऑफ सेबी एक्ट 1992 अट्रैक्ट हो जाएगा, जो बात करता है किसका, इन्वेस्टिगेशन, किसका, इन्वेस्टिगेशन. अब ऐसे केसेस में क्या करेगा सेबी इन ऑर्डर एंड राइटिंग ना किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, जिसका नाम क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है, बट अगर हम डेजिनेट करेंगे तो उसका नाम देंगे हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अब भाई दो लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, इंटरमीडिएटरी या फिर पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, उनसे बोलेगा अपना बुक्स दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, इंफॉर्मेशन दो, पकड़ में आ रहा है. तो सर किस किस से मांग सकता है, भाई कंपनी के डायरेक्टर से बोलेगा, MD को बोलेगा, ठीक है, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनसे ये डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर, बुक्स डिमांड करेगा कि भैया ये प्रेजेंट करो. और तुम्हें पता है मजे की बात
अगर कोऑपरेट नहीं किया ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ में, पेनल्टी इतना खतरनाक पेनल्टी है कि इसलिए सेक्शन 11 सी को नाम आते ही रूह कांप जाती है। क्यों? क्योंकि पेनल्टी अगर मैं बताऊं अप टू 1 crore है और कंटेनिंग फाइन 5 lakh rupees पर डे है। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है? सो ध्यान सीखेंगे, ध्यान सुनेंगे। पहली बात अपने याद कर लिए, 11 सी जो है वो कब अट्रैक्ट होता है? जब सेबी को लगता है कि भैया सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस विच आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है सर कि इंटरमीडिएटरी या कोई पर्सन जो इज कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, वो लोग क्या कर रहा है? सेबी के डायरेक्शंस को, एक्ट को या रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है। ऐसे केस में सेबी ऑर्डर इन राइटिंग अपॉइंट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर वो डायरेक्टर से, ऑफिसर से, एमडी से, एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेगा। किस फॉर्म में ले सकता है? रजिस्टर मांगेगा, भैया अपने शोल्डर्स का रजिस्टर दिखाओ, और भी स्टैट्यूट रजिस्टर चेक कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ट्रांजेक्शन्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, डिस्क्लोजर दिया था ना दिखाओ, डिस्क्लोजर दिखाओ तुम्हारा, हाँ, या कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है। नहीं दिया तो पेनल्टी बोलो मेरे साथ में अप टू 1 crore और कंटेनिंग फाइन 5 lakh rupees पर डे। आया समझ में? चलो फटाफट से इतना सा पैराग्राफ पहले याद कर लेते हैं एक बार। मॉड्यूल में आ जाइएगा, हमारा रिवाज, हमारी रीति, हम पढ़ते हैं सर मॉड्यूल से। अच्छा पढ़ते क्यों है भाई? क्योंकि पेपर ही यहीं से आता सारा। तुम यार देखो नए स्टूडेंट लोगों में तुमको क्लियर बोल दूं, एकदम क्लियर बोल दूं, मेरे यहाँ से स्टूडेंट एग्जामिनेशन इसलिए लेता है, उसका रीजन है मॉड्यूल से पढ़ता है, मेहनत बहुत लगता है। अब मेहनत से अगर बचना है तो नोट्स वाला क्लास भी चलता है, वहां से पढ़ लो, फिर उसके बाद में अगर पास हो जाते हो वेल एंड गुड, नहीं होते हो तो फिर वापस मॉड्यूल में आना होगा। तो पहले ही मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट कर दो ना। ऑलराइट चलिए आइएगा। ऑलराइट सर चलिए सीखते हैं। आओ फटाफट आ जाओ। सेक्शन 11C इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 11C ऑफ सेबी एक्ट 1992 क्या कहता है? सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, दो पॉइंट है याद करो मेरे साथ, दो पॉइंट्स, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट विद द मैनर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट। क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन द सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट विच आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट। या दूसरा ग्राउंड क्या लगा उसको? एनी इंटरमीडिएटरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट या सेबी एक्ट के रूल्स या रेगुलेशंस या डायरेक्शंस इश्यूड बाय द सेबी। याद हुआ? इन दो ग्राउंड्स पे। अब ये ना लिखने को दो हैं लेकिन बहुत सारी बातें आती है इसके अंदर, ठीक है? तो ट्रांजेक्शंस को देखा जाएगा, ट्रांजेक्शंस क्या, ऐसा ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं जो चाहे वो पब्लिक इशू के टाइम पर हो रहा हो या ट्रेडिंग मैनिपुलेटिव टेक्निक ट्रेडिंग की जा रही हो, ठीक है, या आपने सुना होगा पोंजी स्कीम लॉन्च करके की जा रही हो। इवन हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, सारा के केस में हमने ऑब्जर्व करने को देखने को मिला था, बात पकड़ में आ रहा है? ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं सेबी इमीडिएटली एक्शन लेगा। कैसे लेगा? एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स। अब जिसको ऑर्डर कर रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्या करेगा कि भैया इंटरमीडिएटरी, बोलो इंटरमीडिएटरी पर्सन सर्व विद द सिक्योरिटीज मार्केट और टू रिपोर्ट दे ऑन टू द सेबी। फिर क्या होगा? और फटाफट देखते जाते हैं। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एवरी इंटरमीडिएटरी और एवरी पर्सन सर्व विद द सिक्योरिटीज मार्केट, एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस to the investigating authority or any person authorized by it in this behalf all books, registers, documents, records or relating to the company or as the case may be or relating to the intermediary or such person which are in their custody or power। मतलब इन लोगों का ड्यूटी बन जाना है कि भैया हमारी कस्टडी में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको प्रेजेंट करूँ। अभी पता है छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब तुम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में आओगे तो तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। समझो कैसे? मान लीजिए आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपकी 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 कस्टडी के अंदर कंपनी के मिनट्स बुक हैं, ठीक है? अभी एक नोटिस आया कंपनी को कि कंपनी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह रहा है आई वांट टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक ऑफ द कंपनी, ठीक है? उसकी कस्टडी किसने होल्ड की हुई है? कंपनी सेक्रेटरी की है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की। अब कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है कंपनी का भाई मेरी थोड़ी जिम्मेदारी। अरे तेरी ही जिम्मेदारी भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत जाके जाके ना बहुत दिक्कत खड़ी कर देता है।
तो इस बात को छोटा छोटा समझो, ये भले ही एक बार देखने में लगता है रीडिंग कर रहा है बट भाई इंपॉर्टेंट है जबरदस्त। पावर क्या है देखो आओ, पावर ऑफ इंडस्ट्रीडिंग ऑफिसर कहता है ये मे रिक्वायर एनी इंटरमीडिएटरी पर्सन एसोसिएटेड सिक्योरिटीज मार्केट टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन टू और प्रोड्यूस सच बुक्स रजिस्टर्स, अब याद कर लो बुक रजिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स बिफोर इट एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट in this behalf as may be considered necessary if the furnishing of such information or production of works register other documents records relevant or necessary for the purpose of investigation the investigating authority may keep in its custody books register other documents records produced for 6 months and thereafter shall return the same to the intermediary or any person associated with the securities market by whom of course simple si baat hai to ab suno apne paragraph pe side mein apne module mein note karo कितने टाइम के लिए रह सकता है 6 months के लिए सर 6 months मैक्सिमम टाइम है याद रखना 6 months मैक्सिमम है अगर वापस जरूरत पड़ गया तो वापस ले सकता है बट मैक्सिमम 6 months तक के लिए रह सकता है वो ठीक है याद रख लो यहां पे चाहे ऐसे लिख लो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कीप बुक्स रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स कितने टाइम तक के लिए मैक्सिमम पीरियड ऑफ कीप इन कस्टडी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months साइड में इसलिए लिख लो याद रखो एग्जाम में जब रिवीजन कर रहे होगे ना तो इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे साइड में नोट करके लिखो अभी पढ़ लो ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ऑलराइट सर नाउ फर्दर इन्वेस्टिंग अथॉरिटी मे कॉल फॉर एनी बॉक्स रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स इफ दे नीड अगेन ऑफ कोर्स ले सकते हैं चलिए आइए देखते हैं बड़ा मजेदार सेक्शन है ये अब देखो आगे आओ फर्दर इफ अ पर्सन ऑन हूज बिहाफ अब देखो यहां पे क्या कह रहा है सिर्फ इंथिस याद रखना बात और कुछ नहीं साइड में लिख दो पर्सन कैन टेक सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स ठीक है इनकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं मतलब क्या है इसका मतलब यहां पर यह है क्योंकि भैया आपके जो बुक्स हैं रिकॉर्ड्स हैं वो तो किसी कस्टडी में चला गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अब कंपनी कह रहा है भैया हमारे और भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमें डे टू डे ट्रांजेक्शन भी करने होते हैं हमें बुक्स की जरूरत पड़ती है रजिस्टर की जरूरत पड़ती है रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहेगा चिंता ना करो इसकी सर्टिफाइड कॉपी हम तुम्हें दे देते हैं तो वो क्या होता है जनरली प्रैक्टिकली बता देता हूँ जेरोक्स हो जाता है जेरोक्स होने के बाद में अथॉरिटी की साइन एंड सील होने के बाद में वो कॉपी आपको दी जाती है तो वो वैलिड होती है अदर ट्रांजेक्शन के लिए क्योंकि जब तक वो कस्टडी में है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के आपका एक्चुअल कॉपी तब तक आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर आगे के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्लियर इतना ही बात क्या है उसके आगे जाने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब आगे की बात सुनो यहां पर फिर अब क्या होगा अब वो भाई साहब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूछताछ करेंगे किससे पूछताछ करेंगे भाई कंपनी का जो मैनेजर है कंपनी का ऑफिसर है कंपनी का एमडी है कंपनी का एम्प्लॉय है या इंटरमीडिएटरी का एम्प्लॉय है या कोई भी पर्सन जो कि कनेक्टेड है विद द सिक्योरिटीज मार्केट उनके साथ क्या करेगा इन्वेस्टिगेट करेगा पूछताछ करेगा तो यहां पर उनको एग्जामिन किया जाएगा एग्जामिन ऑन ओथ क्या कह रहे हैं एग्जामिन ऑन ओथ देखो जब एग्जामिन ऑन ओथ बोलते हैं ना ध्यान सुनना एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं एग्जामिन ऑन ओथ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा ए लिमिटेड का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है अज्यूम करो अमित से जब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने क्वेश्चंस पुट अप किए होंगे और अमित ने जो भी आंसर्स किए होंगे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे इन्होंने आंसर्स किए होंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स को जो भी इनके जवाबों को इनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा ठीक है और सुनना ध्यान से इंपॉर्टेंट है और एफिडेविट पर ध्यान सुनना एफिडेविट के ऊपर उन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके अमित के सिग्नेचर ले लिए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्योंकि ना जो आप एग्जामिन कर रहे हो और जो उसने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको रिकॉर्ड करवाकर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आपके सामने रीड करता है फिर आपसे साइन करवाता है अब बाद में ना यही चीज ध्यान सुनना एज ए एविडेंस ट्रीट होता है नॉलेज के लिए बता देता हूँ ये एविडेंस तो बन गया है बट ऑफकोर्स जब ये मैटर अगर ये ट्रिब्यूनल में या फिर कोर्ट में जाएगा क्योंकि ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ पे सेबी वो सेट और सेट के बाद में अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पर एविडेंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है बट इसे एज ए एविडेंस ट्रीट किया जाएगा बहुत खतरनाक हो जाता है इसलिए
जब भी आप क्लाइंट को एडवाइस करें, हमेशा एडवाइस करें कि भाई तुम वही फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करो जिसकी एग्जैक्टली तुम्हें नॉलेज है, अपना ज्यादा नहीं बताना है कुछ, मतलब ये नहीं कहना ज्यादा नहीं बताना, मतलब जो पता है वही बताना है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर हो गई है। जैसे आपने साइन कर दिया, चल नहीं कर रहा साइन तो कोई बात नहीं, पेनल्टी लो, पकड़ मारा है बात, साइन नहीं करोगे तो पेनल्टी लो। चलिए तो यहां पर साइड में बस इतना लिखना है पैराग्राफ के, क्या देखो, एनी पर्सन डायरेक्टेड टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन मे एग्जामिन ऑन ओथ एनी मैनेजर मैनेजर डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट in any manner in relation to the affairs of his business or may administer on oath accordingly for the purpose of or may require of any of the person to appear it personally appear before it personally of course bula sakta hai bhaiya ki notice bhej dega bolega personally aap is date par aake is time par aake present hoiye ye real sab example bata raha hu yaad rakhna practical hai sirf book ke language se nahi bol raha hu real mein bata raha hu jo apne expenses hain matlab apne client ke sath expenses hain baat pakad mein aa raha hai chaliye If any person fails, बड़ी प्यारी penalty आ गई है, बहुत ध्यान सुनना। If any person fails without reasonable cause or refuses to produce to the investigating authority or any person authorized by it in his behalf any book, register, documents or records which is his custody to produce or to furnish any information which is likely to duty is furnish। देखा अभी बताए थे ना likely to furnish, मतलब उसकी duty बनती है और देने की, और उसने दे नहीं है information। Or to appear before the investigating authority personally। We are required to do so. Any to answer any question which is put to him by the investigating authority, or to sign the notes of examination, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or fine which may extend to 1 crore rupees, or with both, and also with the further fine which may extend to 5 lakh rupees for every day after first during which the failure or refusal continues. बहुत ही कम फाइन है। बहुत पकड़ मार रहा है भाई। अप टू 1 year imprisonment और अप टू 1 crore का फाइन लगा देगा, रे जिंदगी खराब कर देगा। और एंड साथ में बोल रहा है कंटिन्यू फाइन कितना है, 5 lakh rupees पर डे। खतरनाक सेक्शन है। सबसेक्शन 7 कहता है नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन राइटिंग एंड शैल बी रीड ओवर टू एंड साइन बाय ऑल पर्सन एग्जामिन मे दे आफ्टर बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। अभी हमने ये बात याद कर भी ली थी यहाँ पर कि एज एविडेंस उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर 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 रिफ्यूज किया, नहीं दे रहा इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूस नहीं की इन्फॉर्मेशन, पर्सनली प्रेजेंट नहीं हुए, बात पकड़ में आ रहा है, ऐसे केसेस में इम्प्रिजनमेंट, अपना पास में चाहो ना नोट लिखते चल जाओ अप टू 1 year, ऐसे नोट्स बनाओ तो अच्छा भी है भाई, ठीक है, फॉर्मली पढ़ के बनाओ तो वो काम भी आएगा। एंड और क्या कहता है, फाइन अप टू 1 crore and continue fine 5 lakh rupees per day। जब तक डिफॉल्ट चलता रहेगा तब तक ये भी चलता रहेगा। आई होप बात पकड़ में आ रहा है, साइड में नोट बना के लिख दीजिएगा ताकि ईजी रहे याद करना। चलिए सब सेक्शन 8 देखते हैं, आओ फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, आओ 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 जल्दी आओ। Section 8 कहता है, lays down that where in the course of investigation, investigating authority has reasonable ground to believe that the books, register, other documents, records relating to any or any intermediary or person associated with the securities market may be destroyed, mutilated, altered, falsified, secreted. Investigating authority may take an application. अब क्या होगा? उसको doubt है, समझना। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और ऐसा किया जाता है, मैं बता दूं आपको, पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा सकती है, मिचलेटेड किया सकता है, अल्टर्ड किया सकता है, सिक्रेटेड छुपा दिया गया, ऐसा किया जा सकता है ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि देखो कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब उसको लग रहा है कि यार ये पकड़ में आ गई, बात खत्म हो जाएगा, और जो पर्सन गिल्टी है वो कोशिश कर रहा है कि इसे क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे केसेस में ना अब उसको लग रहा है तो वो एप्लीकेशन देगा किसको, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट और जज ऑफ सच ड्यूरिंग नोटेड कोर्ट इन मुंबई एज द केस मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर ऑफ द सीजर ऑफ द बुक्स और रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। तो एप्लीकेशन किस देगा, मजिस्ट्रेट, जो भी कोर्ट बताई गई है मुंबई में, मुंबई में स्पेसिफिकली किसके लिए कह रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सर्च एंड सीजर के लिए, ठीक है, कि ताकि क्या करता है, इनको सीज कर देता है किसी भी तरह का कोई भी
alteration, mutilation, destroy या secreted नहीं किया जा सके, ये करना पड़ता है और ऐसा हो जाता है. अब आओ सेक्शन ए, सब सेक्शन 8A. Authorized officer may requisition the service of any police officer or any officer of the central government or both to assist him for all or any of the purposes specified above and shall be duty of. अब क्या कब मजिस्ट्रेट से तुमने ऑर्डर ले लिया, तुम ऑर्डर लेके जाएगा अकेले कहां पर कि भैया तेरे डॉक्यूमेंट्स हम सीज करने आए, पता लगा अच्छे से पिटाई छिटाई बना के भेज दिया अफसर को, वो खतरा रहता है, खतरा रहता है समझो. जैसे जनरली पहले केस आया था जिसके अंदर माइंस के इन्वेस्टिगेट करने गया एक ऑफिसर, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की बात बता रहे हैं, बहुत पुराना केस है, जहां पर ऑफिसर को ही ठोक पीट के भेज दिया गया, अब कर दो तो करना है. तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा सब सेक्शन 8A, सेक्शन 11C का सब सेक्शन 8A कहता है कि जो ऑफिसर है वो पुलिस की असिस्टेंट ले सकता है या और ऑफिसर्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पर्पस के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, वो अपॉइंट किए गए हैं सॉरी, उनको वो उनकी असिस्टेंट ले सकता है, असिस्टेंट, ठीक है. अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान सुनना, सब सेक्शन 9 को ऐसे पूरा ऐड कर लो, बात समझ में इजीली आ जाएगी. देखो सब सेक्शन 9 क्या कहता है, After considering the application, hearing the investigating authority, if necessary, magistrate or judge of the designated court by order authorize the investigating authority. कि भैया क्या लगता है, investigating authority कह रहा है सर सर्च सीज किया जाए. अब समझना मेरी बात को ध्यान से, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता था कि एप्लीकेशन लगा दिया सर सीज करो, हाँ भाई ले जा सीज करो ले जा, नहीं, यहाँ के इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को भी मजिस्ट्रेट को जज को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा इस ग्राउंड के ऊपर कि सर ऐसा रीजनेबल रीजंस हैं, ऐसे जस्टिफाइड रीजंस हैं कि सीज करना जरूरी है, और अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स पर लगता है मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड होता है उन आर्ग्यूमेंट्स पे, तब वो ऑर्डर पास करेंगे और फिर वो ऑथोराइज करेंगे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को किस काम के लिए, तीन काम के लिए. पहला, to enter with such assistance as may be required the place or places where the books, registers or other documents or records are kept, chahe wo company ki factories pe ho, branches offices pe ho, theek hai, jo bhi order mein likha hoga, order mein likha hoga ya dekhiye court ke order mein likha hoga, to un places pe wo visit kar sakta hai aur un documents ko, chahe wo documents ho, records ho, books ho, unko wo click kar sakta hai. फिर क्या करेगा, टू सर्च दैट प्लेस और अदर दोस प्लेसेस इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर, एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, एंड थर्ड टू सीज द बुक्स. तो पहले में क्या करना है, एंटर लेना है. अब देखो कैसे याद होने वाला सिंपल सा गेम है, एंटर सर्च एंड सीज, तीन वर्ड्स याद कर लो, टॉपिक खत्म हो जाएगा, सब सेक्शन 9 खत्म हो जाएगा सर. कैसे हो जाएगा, सिंपल सी बात, तीन ही काम है, पहला एंटर होना, दूसरा सर्च करना. ये तो करते हो तुम किसी जगह पहले एंटर होगे, फिर सर्च करोगे, फिर मिल गया तो सीज करोगे. तो सीज करेगा बॉक्स, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इट्स कंसर्न नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. याद हुआ, चलो आगे चलो, कंसेंट्रेट होकर सुनते रहो ताकि पूरा टॉपिक याद हो चल जाए. अब देखो, हावर मजिस्ट्रेट जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल नॉट ऑथराइज सीजर ऑफ बुक्स और रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी. ये इंपॉर्टेंट है, छोटे सी पैराग्राफ है, लेकिन एग्जाम के लिए हो सकता है सब क्वेश्चन बन के 2 मार्क्स के लिए आ जाए, तो ध्यान सुनेगा. पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी है या कोई भी पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू लिस्ट सिक्योरिटी, जो लिस्ट कराने के प्रोसेस में है, लिस्ट तो नहीं हुआ है लेकिन प्रोसेस में है, उनके लिए ऐसा ऑर्डर पास नहीं होगा, किसका, सर्च एंड सीजर का. लेकिन अगर लगा ये क्या खतरनाक काम कर रहे हैं, अनलेस द कंपनी इंडल्जेंस इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, अगर यहां पर मजिस्ट्रेट को, डेजिग्नेट कोर्ट के मजिस्ट्रेट को या जज को लगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर मार्केट मैनिपुलेशन की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उस लिस्टेड कंपनी में, या ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, प्रपोजेस टू बी लिस्टेड है, और दो ग्राउंड मिल गए, इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन, तब तो इस केस में बोलेगा तेरा भी सर्च एंड सीज करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं. याद रहेगा, सीजर ऑफ बुक्स, बोलने साथ बोलो, सीजर ऑफ बुक्स हो, रजिस्टर हो, अदर डॉक्यूमेंट्स हो, वो ऑर्डर लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी विच इज इंटेंड्स टू लिस्ट सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ऐसे दो कंपनी केसेस में जब ही हो सकता है सीजर का ऑर्डर पास, जब वहां पर ही बात रीजनेबल ग्राउंड हो सामने,
इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन यहाँ पर होने की पूरी पूरी संभावना है। क्लियर? ठीक है सर। अब आओ देखो, उसको देखते हैं। कस्टडी ऑफ बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। पहली बात समझ लीजिएगा कि कस्टडी में जब भी इन्वेस्टिगेशन रखेगा, इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रही है ना, तब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बुक्स को, रजिस्टर को, रिकॉर्ड्स को अपनी कस्टडी में रखेगा, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया वापस से रिटर्न कर देगा कंपनी को, इंटरमीडिएटरी को, या जो भी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट्स को वापस कर देगा। साथ के साथ में कि मैंने इनको वापस कर दिया है, इसकी इंटीमेशन वो अपने वही जो कंसर्न भाई सब मजिस्ट्रेट है या जिनने ऑर्डर पास किया था, जो जज हैं, उनको वापस से इंटीमेट भी करेगा कि भैया आपने जो हमको ऑर्डर दिया था सीज और कस्टडी में रखने का, वो हमने कंप्लीट कर लिया और हमने इनको वापस कर दिया है। सर्च एंड सीज का जो प्रोसीजर है, सर्च और सीज, वापस बोल रहा हूँ, सर्च और सीज का जो प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी के ही चलेगा। आओ, सबसेक्शन 10 कहता है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी शैल कीप इन इट्स कस्टडी बुक्स, रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड सीज अंडर दिस सेक्शन फॉर सच अ पीरियड नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज इट कंसीडर्ड नेसेसरी एंड दे आफ्टर शैल रिटर्न द सेम टू द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट इन द केस मे बी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, अदर पर्सन फ्रॉम होम द कस्टडी, फ्रॉम हुज कस्टडी और पावर दे वर सीज्ड एंड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट और जज ऑफ द डिजिटल कोर्ट ऑफ सच, उसको भी इंटीमेट कर देना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे बिफोर रिटर्निंग द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क ऑन देम एनी पार्ट दे ऑफ एवरी सर्च और सीजर मेड इन द सेक्शन कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी। सिंपल सा याद किया। अब यहां तक का जो हमने टॉपिक देखा है, ध्यान से देखो, तुम देखो 11C के अंदर जाके दो ग्राउंड देखे थे। पहला ग्राउंड क्या था जल्दी बोल दो, कि अगर कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट है, या दूसरा उसको लगता है क्या कोई भी इंटरमीडिएटरी या पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, इंटरमीडिएटरी या पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट क्या कर रहा है कि भाई वायलेट कर रहे हो सेबी एक्ट को, रूल्स को, रेगुलेशन को, डायरेक्शन को, तब से भी ऑर्डर करेगा बाय अपॉइंटिंग इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, फिर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्फॉर्मेशन कॉल करेगा, अगर इन्फॉर्मेशन जो भी बुक्स की रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स वो इंटरमीडिएटरी से पर्सन एसोसिएटेड सिक्योरिटीज मार्केट, कंपनी का मैनेजर है, कोई डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, उनसे डिमांड करेगा। अगर वो नहीं देते हैं या छुपाते हैं, पर्सनली अपेयर नहीं होते हैं, ऐसे केसेस में अप टू 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है एंड अप टू 1 ईयर इंप्रिजनमेंट है और 1 करोड़ तक का फाइन एंड ध्यान सुनना एंड 5 लाख रुपीज पर डे का कंटिन्यू फाइन है। याद रहेगा, सर्च एंड सीजर की बात की जाए, सर्च एंड सीजर की कस्टडी में रख सकता है मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, लेकिन अगर उसको लगता है कि भैया इसको सीज करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में वो किसी डेजिनेटेड कोर्ट या मजिस्ट्रेट से और जज से, यहां से याद रखेगा, ऑर्डर लेकर सीज कर सकता है। ऑलराइट सर, अब ये नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर। ऐसा है, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलू ना, स्टॉप एंड नॉट टू री एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन, इन सिंपल वर्ड अगर समझें। सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सेबी ऑर्डर करेगा कि भाई रुक जाओ और वापस ऐसे ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं होना है। 11D आओ देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 11D डील्स विद सीजेस एंड डेसिस और पावर ऑफ सेबी। इफ सेबी फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड दैट एनी पर्सन हैज वायलेटेड और इज लाइकली टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स रेगुलेशन मेड अंडर इट, मे पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन टू सीज एंड डेसिस फ्रॉम द कमिटिंग और कॉजिंग ए वायलेशन, SEBI shall not pass such order in respect of listed company or public company जो कि listed होने वाली हैं, which instance to get security listed on any RSE, unless SEBI के पास reasonable ground के ना हो कि भैया insider trading और market manipulation। तो simple words में अगर कहूँ, 11D क्या कर रहा है, सीज एंड डेसिस ऑर्डर की बात कर रहा है, इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, स्टॉप एंड नॉट री एंटर इन टू सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज उससे लगता है कि SEBI के एक्ट की regulations की violation हो रही है। ठीक है, अब देखो ये वाला रेगुलेशन 3, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। और अब यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो सीखते हैं इसको भी, इसको देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो
अभी कह रहा है रेगुलेशन थ्री जो है, रेगुलेशन थ्री किस तरह कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेशन 2003। रेगुलेशन थ्री कहता है कि भैया कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज हैं जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलाउड ही नहीं है। तो ध्यान सुनना, बहुत सिंपल सी चीज, अच्छे से याद भी करेंगे। देखो रेगुलेशन थ्री कहता है अ पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या नहीं कर सकता भाई तुम, बाय सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर, मतलब डोंट बिहेव लाइक हर्षद मेहता। बात पकड़ में आ रहा है भाई, हर्षद मेहता ने भी एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी, इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, या केतन पारिक भी बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। अब तो बच्चों को याद भी हो गया होगा ना वो वेब सीरीज देख देख के हर्षद मेहता का। सो व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आप बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, अदरवाइज इन डील इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर, या use or employ in connection with the issue, purchase or sale of any security listed or proposed to be listed on RSE, any manipulative, deceptive device or contravene in the contravention of the provision of the Act, rules, regulations made thereunder. चाहे वो purchase को लेकर हो, issue को लेकर हो, issue of security को लेकर हो, listed company की, of course खास तौर से listed, proposed to be listed की बात कर रहे हैं, क्या किसी भी तरीके की यूज और एम्प्लॉय, क्या एनी मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस और कॉन्ट्रावीन, मतलब सर क्या है, मतलब अब देखो कई बार क्या होता है ना, फेक ट्रेडिंग क्रिएट की जाती है, जैसे आपने देखा था कि हर्षद मेहता वाले केस में ACC सीमेंट की फेक ट्रेडिंग की गई थी, मतलब जो 100 रुपए का शेयर था वो कहां से कहां पहुंचा देगा फेक ट्रेडिंग करके, बाइंग सेलिंग, उससे पहले यह मार्केट में रूमर उठा दो आप कि भैया ये मार्केट का जो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है यह आपको 100% रिटर्न देने वाला है, बोला, जबकि ये फैक्ट्स बेस्ड नहीं है बात, लेकिन ऐसा आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो यूज और एम्प्लॉय, फिर कहता है एम्प्लॉय एनी डिवाइस और स्किम, अब स्किम और आर्टिफिस टू डिफॉल्ट, आपने स्किम सुना ना, पोंजी स्कीम सुनी होगी कि क्या करते हैं लोग, पैसा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, पैसा कलेक्ट कर लिया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो ये करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, 10 लोगों से पैसा ले लिया से, ठीक है, और फिर नए 10 लोगों से ले लिया, जो नए 10 लोगों से पैसा लिया वो पुराने वाले 10 लोगों को उसमें से पैसा दे दिया, अब जो पुराने वाले लोग हैं वो भी खुश हो गए, बोले यार रिटर्न तो आ रहा है, ठीक है, फिर वो क्या होता है, जो पुराना वाला लोग होता है ना वो और पैसा देता है, इधर इनसे भी पैसा ले लिया, फिर नए इन्वेस्टर्स से पैसा ले लिया, कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहीं से पैसा लेकर लोगों का ही लोगों को आगे दूसरे नए पुराने लोगों को दे दिया, तो ऐसे क्या कर रहे हैं, पोंजी स्कीम है, जो कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और एक टाइम बाद फुर गया, बात पकड़ में आया, तो आप किसी भी तरीके क्या एम्प्लॉय एनी डिवाइस स्कीम आर्टिफिस डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद द डीलिंग इन सिक्योरिटीज डीलिंग और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, या एंगेज इन एनी एक्ट प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बिजनेस विच ऑपरेट्स और वुड ऑपरेट एज अ फ्रॉड डेसिट एनी अपॉन द पर्सन इन कनेक्शन विद द डीलिंग इन द सिक्योरिटीज, और वही बात लिस्टेड प्रपोज टू बी लिस्टेड सिक्योरिटीज में मेनली कंसर्न सेबी का क्या है, लिस्टेड एंटिटीज और प्रपोज टू बी लिस्टेड एंटिटीज उनके साथ कोई बदतमीज छेड़खानी नहीं की जाएगी, कैसे, बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज करके, यूज और एम्प्लॉय एनी मैनिपुलेटिव या कोई भी डिवाइस डिसेप्टिव डिवाइस अप्लाई करके, या आप किसी भी तरीके की कोई भी स्किम आर्टिफिस डिफ्रॉड करके, या कोई भी एक्ट या बिजनेस इससे तरीके प्रैक्टिस करके, ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस करके जो क्या करे फ्रॉड क्रिएट करता हो। अब ये वाला पॉइंट है ना A2 जो डी हम यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको एक दो बार रिवाइज करो बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका रट्टा वट्टा नहीं मारना, सिर्फ लॉजिकली सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 3 वर्ड्स यहाँ से बनते हैं, बाय सेल और अदरवाइज डील, यूज और एम्प्लॉय, फिर यहाँ से देखो मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइसेस और कॉन्ट्रावीन, ठीक है, फिर यहाँ पर आओ एम्प्लॉय एनी डिवाइस और स्कीम और आर्टिफिस टू डिफ्रॉड, फिर एंगेज इन एनी एक्ट प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ बिजनेस, इन वर्ड्स को ना बोलो, अभी समझाया है वैसे बोलो, याद करो, रिकॉल करो, तो लिखना ईजी रहेगा, क्लियर, ऑलराइट सर। अब देखो यहाँ पे लिखा पड़ा पड़ा, A person shall not indulge in a manipulative, fraudulent or unfair trade practices in the securities market. कहां से बात आती है ये? Regulation 3. Alright. चलिए. Power of board to order investigation. Board का मतलब यहां पर किसके लिए कह रहे हैं? SEBI. सर हम जानते थे, सर इतना तो हम जानते हैं. अच्छी बात है, जो नहीं जानते थे वो अपने दिल पे हाथ रखिए, चुपचाप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, आइए, पावर ऑफ बोर्ड, अगेन प्रॉब्लम, एक मिनट रुको, वापस करते हैं।